वेलकम फ्रेंड्स अब लोग अपने घर में या कॉलेज के लैब में छोटा बड़ा जैसा भी मोटर देखते हैं सबके बॉडी पे ऐसा पतला पतला स्ट्रिप देखते हैं इस स्ट्रिप को फिंस या रिब्स कहा जाता है आज इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये आखिर मोटर के स्टेटर पोर्शन में क्यों बना हुआ रहता है जिसका आंसर ऑलमोस्ट हम लोग सबको पता है मोटर के स्टेटर पोर्शन में हीट जनरेट होता है और ये फिनस मोटर बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करता है इसलिए इस फीन्स या रिप्स को कूलिंग फीन्स या कूलिंग रिप्स भी कहा जाता है अब तक हम लोग जो डिस्कस किए दैट इज नोन टू ऑल लेकिन ये फीन्स कूल cool कैसे करता है यही नॉर्मली आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्चुअली कूलिंग फीन्स डायरेक्टली कूल नहीं करता है ये मोटर को कूलिंग में हेल्प करता है तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो में देख लेते हैं ये फीन्स कूलिंग में हेल्प कैसे करता है मोटर का कूलिंग से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है उस कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो के एंड पे डिस्कस करते हैं इंडक्शन मोटर का कूलिंग सिस्टम कैसे अरेंज किया हुआ रहता है वो पहले देख लेते हैं नॉर्मली कास्ट आयरन से मोटर का बॉडी बना हुआ रहता है राइट right साइड है मोटर का ड्राइविंग एंड जिस एंड पे मोटर का सेफ्ट लगा हुआ रहता है जहाँ पे लोड कनेक्ट होता है और लेफ्ट साइड है नॉन ड्राइविंग एंड जहाँ पे ये कूलिंग फैन असेंबली लगा हुआ रहता है और ये कूलिंग फैन जो होता है वो मोटर के सेप्ट में ही लगा हुआ रहता है तो मोटर जिस स्पीड पे रोटेट करता है ये फैन भी उस स्पीड पे रोटेट करता है और ये फैन असेंबली एंड कवर से ढका हुआ रहता है इंडक्शन मोटर का कूलिंग फैन असेंबली लेके कुछ स्टूडेंट के माइंड में कुछ मिसकसेप्शन रहता है उन्हें लगता है ये कूलिंग फैन जो मोटर के पीछे लगा हुआ रहता है वो मोटर का इनर पोर्शन को भी कूल cool करता है लेकिन ये ऐसा नहीं होता है ये फैन और मोटर बॉडी एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है एंड प्लेट के द्वारा तो यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए ये जो एंड फैन लगा हुआ रहता है ये मोटर का सिर्फ बॉडी को कूल cool करने के लिए स्टेटर पोर्शन को कूल cool करने के लिए यूज़ किया जाता है ये कूलिंग फिन्स मोटर को कूल cool करने के लिए दो तरीके से हेल्प करता है फर्स्टली कूलिंग फिन यूज़ करने के कारण जो इफेक्टिव क्रॉस एरिया होता है मोटर बॉडी का वो बढ़ जाता है क्योंकि फिन लगाने के बाद जो इफेक्टिव क्रॉस एरिया होगा वो होगा कूलिंग फिंस लगाने से पहले मोटर का जो टोटल एरिया है प्लस कूलिंग फिनस का एरिया और बहुत सारा फिन एक साथ यूज करने के कारण जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा हीट डेसीपेशन में उतना ही हेल्प होगा नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अगर ये मोटर का पूरा असेंबली को हम लोग सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू लेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा मोटर जब रोटेट करता है तब तो ये एंड फैन भी रोटेट करता है और यहाँ पे जो एंड कवर है उस एंड कवर के थ्रू फैन का हवा मोटर बॉडी की तरफ जाता है अब ये कूलिंग फिन्स क्या करता है ये एक पाथ प्रोवाइड करता है शो दैट फैन का जो कूल एयर आ रहा है वो थ्रू आउट मोटर बॉडी फ्लो करे तो यहाँ पे देखिए ये जो दो कूलिंग फिन्स के बीच में जो गैप है वो एक चैनल की तरह काम करता है जिसके थ्रू ठंडा हवा थ्रू आउट मोटर बॉडी में फ्लो करता है अब इस चीज़ को अच्छे से विजुअलाइज़ कीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एंड से ये फैन हवा खींच रहा है और फैन से डिस्चार्ज किया गया ठंडा एयर थ्रू आउट मोटर बॉडी में फ़्लो करता है और ये कूलिंग फिन्स इस ठंडा एयर को एक पाथ प्रोवाइड करता है कूलिंग सिस्टम का इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए तो इस तरीके से कूलिंग फिन्स कूलिंग में हेल्प करता है इंडस्ट्री में जो 90 परसेंट इंडक्शन मोटर यूज़ होता है उसमें इसी टाइप का कूलिंग यूज़ किया जाता है और इस टाइप का जो मोटर होते हैं उसको टी टाइप मोटर बोला जाता है टोटली इनक्लोज फैन कूल मोटर मैंने बताया था मोटर का कूलिंग से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जब मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये फ़ैन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट मोटर ठंडा हवा जैसे दिखाया गया है वैसे फेंकता है अब मान लीजिए मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने का ज़रूरत है और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है तो उस केस में कूलिंग कैसे अचीव होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन डरेक्शन केस में हम लोग देखे थे इधर से हवा को खींच रहा था और इधर फेंक रहा था अगर ये फैन उल्टा घूमने लगे तब कूलिंग कैसे अचीव होता है इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसका आंसर आप लोग सोच के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका खुद से सोचना लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू